देखो मुझे क्या मिला, इसे भून जाने दो। नालायक, ये क्या कर रहा है तू? तुझे कहा था ना वहीं बैठे रहे, फिर यहाँ क्यों आया? वहीं बैठे रहता तो खाने का बंदोबस्त कैसे करता? इस सूअर की औलाद, एक दिन नहीं खाता तो मर नहीं जाता। तेरी वजह से मारी चाचा का परिवार अस्पताल में है, पता नहीं तेरी माँ और बहन कहाँ कहाँ भटक रही होगी, और तुझे ऐसे वक्त में खाने की पड़ी है। देखो बाबा, अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो देख लेना क्या होता है। पहले भी बताया था तुमको कि मैं सबसे निपट सकता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जाओ और अपना काम करो, मैंने बहुत बम बना रखे। हट। तेरा भाई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता था इसीलिए मारा गया, अगर मेरी बात सुनता तो आज जिंदा होता। भैया के बारे में कुछ रखो उसे। अपनी सारी ताकत तो मुझे ही दिखाओ, सारे गांव वालों के पैर पड़वा कर भी नरसिंह ने क्या मेरे भाई को जिंदा छोड़ दिया? मेरा भाई कभी चुपचाप नहीं बैठता, वो तुम्हारी तरह तलवे चाटने के बजाय उनके घर में घुसकर एक एक को काट के रख देता। भैया की जगह अगर तुम मर गए होते ना तो हम सुकून से रहते। चिंता, मेरी बात तो सुन।
मुसीबत में नहीं डाल सकता। अगर दोबारा मेरे परिवार की तरफ नजर उठाए तो मैं सबको काट डालूंगा।